महाभारत 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 की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 भीष्म ने कहा द्रौपदी ने जब मेरा नाम पुकारा बोली घर में आपकी पुत्री होती तो क्या फिर भी देखते सारा उसने कहा काल से अब हम ना बच पाएंगे आगे बड़ा युद्ध होगा और काले बादल छाएंगे एक दूजे की पीड़ा उनको आपस में पड़ी सुनानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत 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 उसी समय महल में अर्जुन ने शीश झुकाया बोला इंद्रप्रस्थ में जा रहा था दर्शन करने आया दुर्योधन शकुनि कर्ण में इनको मार गिराऊंगा द्रौपदी के अपमान का बदला तब मैं चुका पाऊंगा अर्जुन लाल हुआ गुस्से में क्रोधित थी उसकी वाणी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 भीष्म ने कहा उनसे पहले मैं और द्रोण पाएंगे हम दोनों को मार के आप वहां जाएंगे अर्जुन ने कहा पितामह मैं ऐसा ना कर पाऊंगा आप और द्रोण के ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊंगा रोने लगा अर्जुन तब उनको पड़ी उसे समझानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी भीष्म ने कहा द्रौपदी किसने दाव पे लगाई तुम भी रोक सकते थे युधिष्ठिर था तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा मैं लज्जित हूँ कैसे करूँ भरपाई दुर्योधन से नहीं कह सकता जो तुमको बदलाई
समझ गया अर्जुन फिर जाने की आज्ञा मानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। उधर देखो दुर्योधन को गुस्सा बहुत है आया। बोला महाराज ने जीता हुआ सारा वापस करवाया। शकुनी ने कहा ये सारा द्रौपदी ने करवाया। शकुनी ने भी धृतराष्ट्र को भला बुरा बतलाया। बोला पुत्र के बारे में उसने एक ना जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। शकुनी ने कहा ऐसा पिता ना युगों युगों तक आए। जो अपने पुत्र को छोड़ के औरों को राजा बनाए। कर्ण ने फिर एक बार दुर्योधन को समझाया। बोला ठीक नहीं किया था जो ये खेल खिलाया। योद्धा था महावीर कर्ण बोले योद्धाओं वाली वाणी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी। दुर्योधन ने कहा शकुनी से अब क्या किया जाए। शकुनी ने कहा एक बाजे का और इंतजाम किया जाए। दुर्योधन ने कहा पिताश्री अब नहीं मानेंगे। वो आपकी और मेरी इसी चाल मानेंगे। शकुनी बोला उसे पुत्र मोह में पड़े हाँ में हाँ मिलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। शकुनी ने कहा पहले तुम भीष्म के पास जाओ। मैं चौसर खेलना चाहता हूँ उसको ये बतलाओ। फिर उनको साथ लेके तुम राजमहल में जाओ। और फिर जाके महाराज को अपना प्रस्ताव बताओ। फिर से द्यूत की बाजी शकुनी ने थी लगवानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। शकुनी कहा विदुर गांधारी की बातों में ना आना। वो इसे टालेंगे और बनाएंगे बहाना। विदुर की नीति से बच के रहना जरा न तू घबराना। कहना मैं मर जाऊंगा या चौसर खेल खिलाना।
कर्ण ने देखा शकुनी की और गर्दन पड़ी झुकानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। द्रोण और भीष्म महल में थे तभी दुर्योधन आया। बोला आप ज्ञानी है दोनों मुझको ना बतलाया। जो मैंने किया उस पे दुर्योधन ना शर्माए। दो रास्ते पास है मेरे ठीक है जो बतलाए। या तो युद्ध करूं या फिर से चौसर पड़े बिछानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। दुर्योधन ने कहा दो शेर एक वन में न रह पाएंगे। एक मयान में दो तलवार आप कैसे सजाएंगे। मैं उनसे दोबारा पिता में खेलना चाहता हूँ। 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास दाव लगाता हूँ। या तो वो वनवास लेंगे या मैं लूंगा मैंने ठानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। द्रोण और भीष्म दोनों उसको समझाना चाहे। बोले ये अनुचित है ऐसा ना खेल रचाए। पर बड़ा हठीला दुर्योधन किसी की ना सुन पाए। भीष्म पिता मह सारी सुन के उसको ये बतलाए। का फैसला धृतराष्ट्र करेगा भीष्म ने चाही टलवानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। भीष्म को फिर दुर्योधन देके धृतराष्ट्र के महल में आए। खेल और युद्ध के बारे में उसको फिर बतलाए। दुर्योधन ने कहा मैं तुमको आत्महत्या करके दिखाऊंगा। या तो युद्ध करूंगा या फिर से चौसर बिछवाऊंगा। पुत्र मोह में फंसा धृतराष्ट्र आया आँखों से पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो धृतराष्ट्र से कहा थोड़ा कुछ तो विचारो। अगर हस्तिनापुर को चाहते हो तो दुर्योधन को दुत्कारो। धृतराष्ट्र ने कहा औलाद का सुख आप क्या जानो। आप प्रतिज्ञा में बंधे हुए हो पुत्र मोहना पहचानो।
भीष्म चुप रह गया वो सुन के धृतराष्ट्र की जुबानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। गांधारी ने बार बार उसको समझाना चाहा। दुर्योधन बोला सब कुछ जीता था वापिस क्यों करवाया। बोला अब चौसर खेलूं या मृत्यु शरण में जाऊं। जल्दी बोलो क्या करना है वो ही करके दिखलाओ। धृतराष्ट्र ने चौसर की फिर बाजी चाही लगवानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। 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 भीष्म ने कहा मेरी मानो तो युद्ध की कर लो तैयारी। तो महावीर हम संग में तेरे संग में सेना है भारी। कृपाचार्य द्रोण और कर्ण के जैसे नहीं कहीं धनुर्धारी। पर द्यूत का खेल तुम मत खेलो हंसेगी दुनिया सारी। पर दुर्योधन ने चौसर महल में जाने की थी ठानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। धृतराष्ट्र ने कहा तुम बस एक दाव लगाओगे उसके उपरांत खेल को बंद करके दिखलाओगे। गांधारी ने पैर पकड़ धृतराष्ट्र को रोकना चाहा। पहले ही पुत्र मोह में पड़ा था कुछ भी सोच नहीं पाया। पांडवों को बुलावा भेजा कहा एक बाजी पड़ेगी लगानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। उधर पांडव महल में थे पांचाली वहां आई। जब खुले केश देखे तो युधिष्ठर ने पूछनी चाही। बोली दुशासन दुर्योधन के खून से उसके केश धुलवाओ। और इसलिए खोले हैं तुम नजर मिला ना पाओ। युधिष्ठर बोला वो अनुज है मेरे ना बोलो ऐसी वाणी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। 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 पांडव सुन रहे थे सारी फिर अर्जुन को गुस्सा आया। कर्ण को नहीं छोड़ूंगा जिसने वैश्या कह के बुलाया। भीम ने कहा दुशासन को मारो जो तुम्हें खींच के लाया। एक सुनी ना युधिष्ठर की उसने लाख समझाया।
तभी बुलावा आया महल से, उनको पड़ी वहाँ जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। पांचाली ने कहा, लगता तुम्हें फिर से चौसर खिलवाएंगे। ना मुझे ना अपने भाई ना शस्त्र दाव पे लगाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वचन देता हूँ ये ना दाव लगाऊंगा। अगर महाराज कहे खेलने की खुद को रोक ना पाऊंगा। पहले ही लज्जित थे पांडव, नजरें पड़ी झुकानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी।